तरफ मध्य प्रदेश में दिल्ली तक सीएम चेहरे को लेकर के दौड़ जारी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वजह, सीएम पद जिसका ऐलान बाकी है। इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लाडली बहनों से मिल रहे हैं, तो बहनें भी अपने भाई का शानदार स्वागत कर रही हैं। लाडली बहनें शिवराज चौहान को राखी बांध रही हैं, उन्हें तिलक कर रही हैं। सभी को भरोसा है कि शिवराज चौहान ही फिर राज्य के सीएम बनेंगे, लेकिन शिवराज ने यह फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस के ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने का भी शिवराज सिंह ने जवाब दिया। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया, जिसका समर्थन कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया। शिवराज जी ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है, 29 सीट लाएंगे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सीएम पद को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रहे हैं। बीजेपी 3 राज्यों में जीती और तीनों राज्यों में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि छत्तीसगढ़ को लेकर यह सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के बाहर से निकलती इस व्हाइट कलर की कार में सवार हैं सांसद पद से त्याग पत्र देने वाली नई नवेली विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। 7 दिसंबर की देर शाम छत्तीसगढ़ सीएम की रेस में शामिल रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। लगभग 30 मिनट की मुलाकात के बाद रेणुका सिंह निकली तो माना जा रहा है कि वो दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगी। रेणुका सिंह के समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान ही सीएम दीदी का नारा लगाकर सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी पेश कर दी थी, और जीत के 2 दिनों बाद यानी कि 5 दिसंबर को उनके घर पर पूजा पाठ और हवन का भी आयोजन किया गया था। जीत के बाद से ही सीएम पद की दावेदारी पर दिग्गज नेता रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। हालांकि सीएम पद की दावेदारी को लेकर रेणुका सिंह भी अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं लग रही। और पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। मैं वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूं। जब जब उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।